तैयार करना पड़ा। आप लोग डटे रहे मैदान पर, मैच का आनंद लेते रहे, उनके लिए आप लोगों को सभी को धन्यवाद। और हम लोग को, हम लोगों के दिल में बसने वाले, दिल का धड़कन भरकर बसने वाले माननीय सम्राट चौधरी जी का अभिनंदन और स्वागत जोरदार तालियों के साथ करो। सब लोग बोलिए मैया काली की, मैया काली की, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ माँ काली के गेट महाकुंभ नारायण इस पावन धरती पर, माँ काली क्रिकेट महाकुंभ के इस पूरे आयोजन मंडल को मैं सर्वप्रथम विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन करने का काम किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई और आपके पूर्व प्रत्याशी मिंडाल शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास सिंह जी, जिला परिषद के सदस्य प्रीतम शाह जी, विनय नागौर, दिवाकर सिंह जी, हमारे परम पूज्य ने श्याम सुंदर बाबू, अशोक मुखिया जी, अनार देवी जी, जयप्रकाश यादव जी, राजीव कुमार सिंह जी पूर्व मुखिया, रविंद्र सिंह कल्लू जी जो मुंगेर के जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन है, राजेश जी मुखिया प्रतिनिधि, विपिन सिंह जी और धौरी और करारिया के पूरी दोनों टीम जिसने पूरा 550 रन बनाकर इस धरती पर एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। हम देख रहे थे साथियों, वैसे तो धौरी को भी मैं जान रहा हूं और नारायण को और करारिया को भी, हमको लगता है कि टीम तो यहाँ की नहीं है, टीम तो हो क्योंकि मैं दोनों गांव को लंबे समय से जानता हूं। अब तो 25 वर्ष मेरे को राजनीति में भी हो गया, क्योंकि टीम आएंगे तो मैं उनसे परिचय भी जरूर लूंगा। इतना अच्छा खेलने वाला यदि इस गांव में है तो हमारा जरूर दायित्व बनता है इसको बिहार तक पहुंचाने का काम हमने करेंगे। हमारी पूरी टीम है और ठीक कहा मिनाल जी। अब देखिए, ये बाका एक जमाने में शुरू देहात होता था, अब नहीं हो, अब इसको मुख्य धारा में जाओ। और हम तो ये भविष्यवाणी भी करते हैं आपके बीच में, मैं भी हूं और आप भी रहेंगे, जिनके जिनके पास जमीन है, क्योंकि बाका के पास बहुत जमीन है, मुंगेर में भवन चले जाइए, तारापुर के इलाके में इतना जमीन नहीं है, लेकिन बांका के पूरे इलाके में, थोड़ा शंभुगंज में ही कम जमीन है, नहीं तो पूरे बांका के इलाके में बहुत जमीन है। और इसी जमीन पर मैं आपको स्पष्ट करता हूं, अगले 10 वर्ष में देखिएगा बांका कितनी अनुमति की ओर जाएगा, कितना विकास करेगा। लोग सोच नहीं सकते हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, लंबे समय तक दो व्यक्ति की सरकार को आपने देखा, पहले लालू जी और राजी जी का राज था, फिर नीतीश जी लंबे समय से बिहार में राज कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया बढ़ रहा है, हमारे लोग क्यों नहीं बढ़े। आज देखिए, बगल में
एक देवघर में एयरपोर्ट और एम्स बन गया। बाबा तो पहले से थे, लाखों लोग इस होकर जाते थे, लेकिन एम्स और एयरपोर्ट बनने के बाद अब पूरा इस इलाके से लोग जमीन कहां खरीदने लगा, देवघर में। तो इन चीजों को भी स्थापित होना है साथ। और ठीक कहा हमारे साथी ने कि जितने ये जमीन है इस पूरी कल्पना को साबित करना है, यदि शंभुगंज में एक भी स्टेडियम नहीं बना है तो हमको इस जमीन का एनओसी दिलवाइए, इस जमीन पर भी स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। हमारा परिवार यदि आगे नहीं बढ़ेगा, मुख्यधारा में नहीं जाएगा, हमारा समाज मुख्यधारा में नहीं जाएगा तो हम पीछे रहेंगे। एक व्यक्ति बढ़ जाएगा इससे कुछ नहीं होगा, पूरे बिहार को बढ़ेगा। हम अभी उत्तर प्रदेश में दो दिन पहले थे, हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा मुख्यमंत्री है, लोगों को बुलडोजर बाबा कहता है, लेकिन अब सोचिए कि वहां की सरकार बजट के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करती है और बिहार में हम 2.5 लाख करोड़ खर्चा करते हैं, उसके बाद बिहार में कोई खर्चा नहीं। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए थे और हम लोग को बुलाया गया था, वहां पर 35 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने का तय किया जो दुनिया के बिजनेसमैन करें। तो आपको आप समझिए कि जिस गति से उत्तर प्रदेश बढ़ रहा उसके 500 गति से पीछे हम बिहार जा रहे हैं। अब बिहार को सुंदर बनाने का समय है, समृद्ध करने का समय है, ऊर्जा के साथ विकास करने की चिंता करनी है। और जितनी थकी हुई सरकार है इसको भी आपका आशीर्वाद रहा तो 24 और 25 में उतार कर फेंकने का काम करेंगे सर। लेकिन मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम दूंगा कि आज टूर्नामेंट का आयोजन पूरे नारायण और इस इलाके के तमाम साथियों ने किया है और एक महत्वपूर्ण काम किया। हम तो बंधन में बंध गए थे, मेरे पास तो समय ही नहीं था। हमको इन लोगों ने कह दिए थे कि नहीं आप जिस दिन दीजिएगा उसी दिन फाइनल होगा, मेरी मजबूरी हो गई। हमको तो अभी और 3 जगह कार्यक्रम करना है, कल बेतिया कार्यक्रम करना है। लेकिन साथियों मैं जरूर स्पष्ट कर अपनी बात को विराम दूंगा कि हमारे जो नौजवान लगातार ये प्रश्न कर रहे हैं कि हमारे लोग क्रिकेट के माध्यम से या दूसरे और भी खेल के माध्यम से मुख्यधारा में बने, तो अभी सरकार ने एक निर्णय लिया कि हम जो राज्य स्तर का खिलाड़ी होगा उन तमाम खिलाड़ियों को सीधे प्रथम कैटेगरी का जो पद है डीएसपी से लेकर एसडीओ तक का जो पद है उसको सीधे बहाली देंगे। तो हम इसको आश्वस्त करते हैं इससे इस पूरे टीम से ऐसा कुछ खिलाड़ी निकालिए जो राज्य का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ से एमएलए एमपी इलाके से जीत कर जाते हैं तो आपका प्रतिनिधित्व वहां करते हैं, ऐसे खिलाड़ी भी इस इलाके से निकलना चाहिए जो हमारे राज्य में जाकर प्रतिनिधित्व करे। सौरभ तिवारी को हमने देखा था खिलाड़ी बनते हुए, महेंद्र सिंह धोनी किसी सुल्तानगंज में हम आए थे क्रिकेट मैच का ट्रॉफी बांटने, इसी तरह ट्रॉफी बांटने आए और जिस तरह लंबा लंबा छक्का उसने मारकर 2001-02 में दिखाया था उसी दिन हमने कहा था कि ये देश के लिए खेलेगा। और आज हमने देखा है कि धोनी के प्लेयर्स को मैंने देखा है, इसके पहले करेरिया के लोग 271 रन मारे हैं तो बिना छक्का का तो मारे नहीं होंगे, तो वो लोग भी अच्छा खेले हैं। इसलिए हमने कहा कि 550 रन किसी पिच पर बनना इसका मतलब है कि दोनों तरफ का बैट्समैन बहुत ही अच्छा था जिसने पूरा खेल दिखाने का काम किया। इसलिए नौजवान के पूरी टीम को नाराम ने जो पूरा इस महफिल को सजाने का काम किया, हम पूरे
ऑर्गेनाइज टीम को हम विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीसीसी करिया टीम के सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करना चाहूंगा वो मंच के सामने आ जाए। सभी खिलाड़ी लेकर कप्तान आशीष अपने नेतृत्व में सभी प्लेयर जाना चाहूंगा वो आए मंच पे। हमारे माली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार सिंह जी के द्वारा सभी पीसीसी करिया के प्लेइंग 11 टीम को मेडल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्हें सम्मानित करें मेडल कमेटर प्लेयर को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। होना टीम के कप्तान विक्रम है इन्हीं के नेतृत्व में आज इस चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इनके यही वो प्लेयर हैं जिनके लगातार 5-6 विकेट अपने टीम के खोने के बाद आए और तूफानी अंदाज में मैच का रिस्क लेने वाला प्लेयर है चंदन। सोम सेकंड सूर्यानंद भेद बिट्टू केशव सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहें तालियों से स्वागत करते रहें। सबसे पहले दोनों टीम के सभी को धोनी ने जीता है शाइनिंग स्टार ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैन ऑफ द मैच वितरण समारोह का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जो इस मैच का गुरु है वो है बिट्टू चैनामैन जिन्होंने शानदार 31 बॉल का सामना किया और जीत की तहरीर पर लात हरा दिया है। 83 रन की पारी खेली है जिसमें शानदार 10 छक्के तो आज के मैच का हीरो जो आए मैन ऑफ फाइनल तक के सफर में 4 मैच को खेले हैं जिन्होंने 178 रन बनाए हैं 6 विकेट भी हासिल किए हैं। ऑलराउंडर प्रदर्शन है इनका 8 ओवर की गेंदबाजी किया है। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया जा रहा है हमारे भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विकास कुमार सिंह जी के द्वारा। ये प्राइस ट्रॉफी के साथ साथ 1500 का इनामी कार्ड जीता है। शानदार स्वागत तालियों से किया जाए रितेश का। शुरुआती दिन से ही अब तक बहुत ही शानदार स्कोरिंग में भाई पीएम शिखर जी आए आपके लिए भी एक ट्रॉफी रखी हुई है। दुआएं उनको सम्मान करेंगे हमारे के मुखिया जी श्रीमती अनार देवी जी वो आए उनको ट्रॉफी के साथ प्रदान करें। पीएम शेखर और श्रीमती अनार देवी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्रॉफी वितरण का कार्यक्रम की ओर चलते हैं। सबसे पहले विनर टीम के कप्तान जो कि इस टूर्नामेंट के विजेता हैं कप्तान आशीष कुमार आए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया गया श्री आशीष कुमार सिंह जी का जो कि नौ ताली क्रिकेट महाकुंभ के विजेता है।
कैश प्राइज, साथ में 7000 का कैश प्राइज इन्हें दिया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आप हारे उसकी हमें चिंता नहीं है कि जीत में हार जीत होती रहती है, लेकिन इतना शानदार लड़कर हारे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करके होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धोनी के कप्तान श्री विक्रम कुमार सिंह जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपना ट्रॉफी आराम से आराम से आराम से आराम से इन्हें कैश प्राइज 15,000 के साथ साथ ट्रॉफी प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मैं विक्रम से आमंत्रित करना चाहूंगा साथ ही कप्तान आशीष अगर हैं तो वो भी आए। कुछ जरूर 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 बोलेंगे जी। आपकी टीम बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली, आपको टारगेट दिया गया था 271 रन का। शुरू में शुरुआती झटका आपको जरूर लगा, लेकिन आपने उस झटकों से वो भरते हुए किस प्रकार अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को माइनस करके क्या आपने अढ़ाई देकर भेज रहे थे करने के लिए, किस तरह बैटिंग करा ताकि 271 का लक्ष्य जो मिला है उनको हासिल किया जाए, किस तरह हौसला आप जानती है थोड़ा आशीष जी को भी देखिए। सबसे पहले यहाँ पे इतने दर्शक आए और आपने इतना अच्छा टूर्नामेंट कर रहा है, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई में देना चाहूंगा। साथ ही मेरे दोस्त जो भी आए सबसे मेरा प्रणाम। यार मैं खास करके बता दूं कि मुझे यहाँ पे खेलने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने इससे पिछला टूर्नामेंट खेला था, मेरी टीम बहुत ही खराब गई थी, मेरी टीम पूरी 132 पर आउट हो गया था। उस समय लगा कि मेरा टीम में कुछ नहीं है, लेकिन वही टीम को मैंने फिर से बनाया और अभी मैं फाइनल जीता, मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। अगर आशीष जी हैं तो वो भी आए। ठीक है, इसके लिए फिर से मैं इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि को मैं बहुत बहुत